कि यहां तक हमने पढ़ लिया है कि एक होता है जी रेशनल नंबर, ठीक है जी, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, और इसके ऊपर भी नंबर होते हैं लेकिन हमने यहां तक पढ़ा है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये हमने दो पढ़े, ठीक है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, 1, 2, 3, 2/3, 5/7, 2/5, ये सारे क्या रेशनल हैं। इरेशनल कौन कौन से होते हैं जी, 2√, 3√, 5√, 2/3√, 2/3√, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जल्द हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं जिससे पहले पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर ये वाले होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप नेचुरल नंबर भी होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 इवन भी होते हैं, फिर ऑड भी होते हैं, फिर इंटीजर होते हैं, उसमें 0 भी आता है और +-1, +-2, ये सारे आते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या है जी, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, ठीक हो गया। ये 0 भी जो है क्या, रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये सारे क्या है जी, 1, 2, 3 रेशनल नंबर है। इन दोनों नंबरों को जब बेटा मिलाते हैं ना, इन दोनों नंबरों को मिलाते हैं तो एक नंबर बनता है। इनका जब यूनियन लें तो एक नंबर बनेगा, ठीक है जी। उस नंबर का नाम होता है जी रियल नंबर। कौन सा नंबर मेरे बेटा, रियल नंबर, ठीक। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, आपके जहन में जो भी नंबर आ रहा है वो रियल है जी। जो भी नंबर जहन में आ रहा है, 1 है रियल है, 2 रियल है, 3 रियल है, 2/5 रियल है, -7/2 रियल है, 2/5√ रियल है, 5√ रियल है, 9√ रियल है। आपके जहन में जो भी नंबर आता है, 0.01 रियल है। आपके जहन में जो भी नंबर आएगा वो तो सारे के सारे नंबर कौन से हैं जी, रियल नंबर हैं, और उर्दू में जो कहते हैं हकीकी अदाद, ठीक है जी। यहां तो मसला, रेशनल को कहते हैं उर्दू में जी नातिक, और इरेशनल को कहते हैं गैर नातिक। अभी देर में नंबर आएगा वो रियल है, अभी तक जो आपने पढ़े। आज एक नया नंबर आप पढ़ने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो मैं आपको नंबर बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं ना भैया, मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा। ये जो हमारे पास तो इक्वेशन हो x² + 1 = 0 हो, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, x² = +1 है ना, इस तरफ आके -1, इसका रूट ले लीजिए दोनों तरफ, x की वैल्यू निकाल ली हमने, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये x = देखो बेटा ये स्क्वायर रूट की शर्त है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस नहीं आता, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो नहीं आता, तो फिर जाहिर सी बात है इस -1 स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू तो होगी ना, कोई आंसर तो होगा ना। तो वो मैथमेटिशियन ने क्या किया, सपोज किया, इमेजिन किया कि वो आंसर जो है ABCD नहीं बल्कि क्या है जी, आई है, आयाटा है। ये इमेजिनरी नंबर है, खुद लेट किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, आई है जी। -1 के रूट का जो आंसर जो इमेजिन किया, जो लेट किया, वो कितना है जी, आयाटा। क्या है बेटा, आयाटा। -1 के रूट का जो आंसर इमेजिन किया, के रूट ऑफ -1 का आंसर क्या लेट किया, इमेजिन किया, आयाटा। क्या जी, आयाटा। तो ये जो आयाटा जो है ये कौन सा नंबर है मेरा बेटा, ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों, इसके इमेजिन किया हुआ है, इमेजिनरी नंबर है। मैं आपको और भी इमेजिनरी के वाले से इंटरेस्टिंग बातें साथ साथ बताता रहूंगा, फिलहाल आपने यही बात यहां तक समझनी है। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इमेजिनरी नंबर के हवाले से, ठीक है ना। यहां तो कोई मसला है नहीं है, तो नंबरों को पढ़ना क्या है मेरे बेटा, इबादत है, ठीक है। क्यों, आपको मैंने बताया कुरान मजीद में क्या लिखा है, बाय द इब्न नाड कसम है जुफ्त और ताक की जी। अच्छा जी, तो
इसे कहते हैं मेरे बेटा, ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर ये। तो आज का जो हमारा ये है जी, टॉपिक असल में ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है जी कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या होता है ये आएगा पेपर में टाइप जी, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, गिव एग्जांपल, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिव एग्जांपल, इस तरह से आएगा सवाल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मेरे बेटा, अगर आप रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिलाएं, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबरों को मिलाएं, तो कौन से नंबर बनेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आयाटे वाले नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? आयाटे वाले सारे, ये आयाटा, टू आयाटा, फाइव आयाटा, फोर आयाटा, माइनस टू आयाटा, ये सारे जितनी भी है नंबर कौन से हैं? इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो भी आपके ज़हन में आते हैं, जो भी आपके ज़हन में आएंगे ना, वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है, आयाटे वाले नंबरों को छोड़ के। वन हो गया, टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, टू बाई फाइव हो गया, थ्री स्क्वायर रूट बाई टू हो गया, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर है। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों में से नंबर कोई ले लो, तो कौन से नंबर बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल दे देता हूँ, समझ आ जाएगी बात। और ये मेरा माइंड मैप याद रखिएगा, फ्लो चार्ट याद रखिएगा, ये मेरा फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है, जरा देखिएगा कैसे होता है। इन दोनों नंबरों को मिला लो, वन प्लस आयाटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से कोई और नंबर उठा लो, टू इधर से कोई उठा लो, प्लस फोर आयाटा, ये कौन से नंबर बन गए? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। टू बाई फाइव माइनस हो टू आयाटा, ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को ज्वाइन करने से बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है जरा बताता हूँ, बनता कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मोटी मोटी बातें बता दी आपको, डेफिनेशन ये पेपर में ये आएगा ये, हाँ लेकिन ये बुक में नहीं है, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। बुक में ऐसा फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ है और इतना डिटेल में नहीं है, आपको मैंने अभी बता दिया। अब उसको छोड़ दिया और इस तरफ आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। The number which is written in the form of a plus b iota, where a b belong to real number, is called complex number. ठीक है जी, a is called real part, ठीक है जी, while b is called इमेजिनरी पार्ट। आप कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट ज्यादातर जो है सी सी भी करते हैं या बाद का जी सी भी करते हैं, मर्जी होती है, कॉम्प्लेक्स जी से ज्यादा करते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आगे आप फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो जी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कोई डर एग्जाम्पल यहाँ पड़ी हुई है दो तीन, तो मैंने ये लिख दी है, ये वन प्लस टू आटा, थ्री प्लस फोर आटा,
फाइव माइनस सेवन एट आ टू बाई थ्री प्लस फोर बाई सेवन एट आ माइनस टू प्लस एट आ माइनस टू बाई थ्री स्के रूट प्लस फाइव एट आ टू प्लस थ्री स्के रूट एट आ। ये जितनी भी इस तरह के नंबर हैं ये सारे के सारे क्या है मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आल्सो रिटन एज, इज आल्सो रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है जी, आर्डर पेयर की शक्ल में ए और बी इस तरह लिखा जा सकता है, ऐसे लिखें या इसमें ए प्लस बी एटा की शक्ल लिखें, बात एक ही है, इस तरह आर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे, ऐसे ही करते हैं बेटा जैसा आम सादे नंबर करते हैं, ठीक है। एक साइज पे ले आ जाए जी, टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर टू पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले क्या करते हैं इसकी एडिशन सीखते हैं और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर बाकी बातें भी इसकी सीखेंगे आटे की, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको अरेज कर रहा हूं। ठीक है बेटा, शाबाश, स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ओके मेरे बेटा, अच्छा जी, बेटा एक्सरसाइज आपके पास है 2.5, मैं आपको डायरेक्ट इसकी एडिशन बताता हूं, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन सॉल्यूशन क्या दिया जी आपको, 8, -5 प्लस -7, 3, बहुत आसान है जी, आप यू कर सकते हैं 8 प्लस ये वाला पहले कर ले माइनस प्लस भी -5 एटा प्लस -7 प्लस 3 एटा, कामा हटाया और क्या लगा दिया एटा, यहां से भी मैंने कामा हटाया तो प्लस एटा लगा दिया, प्लस 3 एटा, प्लस 3 के साथ है एटा साथ लगा दिया, ये मर्जी है, इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है जी, ठीक है, परेशानी ना आपने 8 -5 एटा -7 प्लस इंटू -7 3 एटा, ठीक है, ये एक तरीका है। 8 -7 अरेंज करना चाहें कर लें, ना करें तो फिर भी आपकी मर्जी, आप ट्रिक भी यहां से लिख सकते हैं, 8 -7 होता है 1 तो -2 एटा, -2 प्लस 3 कितना होता है -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 होता है -2, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका जी, अगर इस कामे में दिया हुआ है दूसरा तरीका ये जी, आप लिख सकते हैं 8 -7 कामा, ये तरीका ऐसे भी हो सकता है 8 -7 और -5 प्लस 3, ये आपके पास कितना जाएगा बेटा 1 और -2, इसको मजीद लिखना चाहो तो क्या सकता है 1 -2 एटा, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है ए प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखता है तो फिर जू लिखेंगे इसको, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है कि बुक में कहा हुआ है कि इस तरह लिखें, ठीक है। अब आपको जो आसान लगे ये करेंगे, ये करें, मुझे कोई इतराज नहीं है इस पर, ठीक है।
इसका मैं दूसरा पार्ट करने वाला हूं। अभी जरा गौर कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर टू, 1/2 है प्लस 3/2 ए आटा है प्लस माइनस 3/4 है, 1/4 ए आटा है आपके दिन में एक बात आ रही होगी कि सर ये आयाटा क्यों है, आई क्यों है, जे और पी क्यों नहीं है। बेटा बात ये ना, मैथमेटिशियन ने आई रख लिया तो हम भी आई कर रहे हैं। तो अगर वो इमेजिनरी नंबर रख देता ए बी सी डी कोई भी रख देता तो हम भी वही कहते। उसने ग्रीक लेटर रख दिया आई आटा, तो हमने भी आटा रख दिया जी, सपोज की है। ठीक है जी, आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या रखा हुआ है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आयाटा को उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, आई को रखा हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखिए जी, 1/2 है प्लस 3/2, ब्रैकेट खत्म करें जी, एटा प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/4 प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस है जी, प्लस 1/4 एटा। ठीक है, अब अरेंज करें एटे वाले एक तरफ और दूसरे एक तरफ, 3/2 एटा प्लस 1/4 एटा, क्या आपस में ऐड हो सकते हैं जल्दी जल्दी खुद ब खुद? नहीं हो सकते। क्यों? इनके डिनोमिनेटर सेम हो नहीं है, तो पहले इनको एड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या जरूरत करने पड़ता है, क्या क्या हमें चाहिए होता है, डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। तो कैसे करते हैं, टू से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, बिल्कुल ऐसे ही करा रहा हूँ जिस तरह छोटी क्लास में फोर्थ में फिफ्थ में आपको कराते थे, 1 × 2, 2 × 2, नोमिनेटर से 2 से भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3/4 क्यों किया, ताकि 4 क्या हो जाए, 7 हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही बात होगी जी, 2 × 2, 2 × 3 आटा, नोमिनेटर को भी 2 से किया, ऐसे भी 2 से किया, क्यों, ये 4 है इस वजह से। अच्छा, ये हो जाएगा जी आपको 2/4 माइनस 3/4, ये हो जाएगा जी 6 ए आटा बाय 4 प्लस 1 ए आटा बाय 4, यही हो जाएगा ना। अब लास्ट स्टेप पे, बल्कि सेकंड लास्ट स्टेप पे ये आ जाएगा जी 4, एलसीएम आ गया इनका, सेम हो गया ना डिनोमिनेटर। अब होगा जी 2 − 3 प्लस, यहाँ पे भी 4 सेम आ गया, 6 ए आटा प्लस 1 ए आटा, 1 लिखे ना लिखे बात है क्यों होती है, चलो मैंने लिख दिया। तो ये आपका लास्ट स्टेप है जी, आपके पास हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 7/4, साथ में लिखेंगे आटा। अच्छा जी, बेटा क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर 3 आपका है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 होमवर्क। कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ऐसे होगा। ठीक है, आसान है बेटा, मुश्किल होता है मैं खुद करवा देता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, सीरीज के रूट पाई माइनस है, देखा उन्होंने माइनस 2 − π ऐसे दिया। तो शॉर्टकट तरीके से करें तो कैसे होगा जी, 3 ये वाला माइनस 2, कामे से पहले वाला, कामे से पहले वाले में से माइनस प्लस होगा, और कामे के बाद वाला, कामे के बाद वाले में से ही माइनस प्लस होता है। ठीक है, समझ आ रही है बेटा, गुड। अच्छा जी, ये वाला पाई, ये माइनस इंटू माइनस प्लस पाई,
थ्री माइनस टू ये हो जाएगा जी टू पाई, हो सकता है ना सिर्फ। अब इस सामने को उठाएं तो क्या देखेंगे, थ्री स्केयर रूट माइनस टू प्लस टू के साथ सिंबल कौन सी है प्लस, कॉमा हट जाएगा और क्या आ जाएगा जी आयाटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये लास्ट पार्ट है यहाँ का टू का, ठीक है। वन माइनस थ्री ए आटा माइनस फोर्टीन माइनस टू ए आटा प्लस नाइन प्लस फाइव ए आटा, इसको सिंप्लीफाई करना मेरा बेटा, ठीक है। आज मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बस इतनी सी बात बताइए। बाकी टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे लेकिन पहले आप ये समझ लेना। अच्छा जी, वन माइनस थ्री ए आटा ये आ गया, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें जी तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन माइनस माइनस प्लस टू ए आटा प्लस नाइन प्लस फाइव ए आटा। अब आपने क्या करना है, ए आटे वाले एक तरफ और दूसरे एक तरफ, रियल एक तरफ और कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरफ, तो रियल पार्ट क्या है जी वन माइनस फोर्टीन प्लस नाइन, ठीक है। अच्छा अब माइनस थ्री एटा प्लस टू एटा तो प्लस फाइव एटा, एटे वाले एक तरफ हो गए तो या के पास आ जाएगा तकरीबन माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर्टीन प्लस नाइन, आंसर आ जाएगा जी माइनस फोर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, देखिए ये सेवन हो जाएगा, सेवन में से थ्री निकालेंगे तो फोर एटा आ जाएगा, ठीक। काम खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझा होगा आपने, तो मसला हो तो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं मेरे बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।